स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। भाजपा हाई कमान द्वारा जैसे ही कल श्याम सढौरा विधानसभा सीट से चौधरी बलवंत सिंह को अपना प्रत्याशी बनाए जाने की घोषणा की गई, तब से सढौरा में उनके समर्थक लगातार उनको मिलकर बधाई संदेश दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं और आश्वासन दे रहे हैं कि वो अब की बार भाजपा को तीसरी बार प्रदेश में लाकर रहेंगे और साथ ही उन्हें भारी मतों से जिताएंगे। देर रात्रि तक लोग बाग उनसे मिलते रहे और यही सिलसिला सुबह भी जारी रहा और दोपहर बाद भी हजारों की संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता और आम जन भी भोगपुर स्थित उनके निवास स्थान पर इकट्ठे हुए उन्हें बधाई देने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए और साथ ही उनका पूरा साथ देने का एक संकल्प दोहराने के लिए उनके निवास स्थान पर पहुंचे। भाजपा के जिला अध्यक्ष राजेश सप्रा भी वहां पर पहुंचे। भाजपा के मंडल के समस्त पदाधिकारी, बिलासपुर मंडल के पदाधिकारी, उधर से सरस्वती नगर के पदाधिकारी भी वहां पर पहुंचे। उनके शुभचिंतक, उनके नज़दीक के लोग, उनके मित्र, डियर नियर सब वहां पर पहुंचे और उन्होंने चौधरी बलवंत सिंह को बधाई दी। बलवंत सिंह ने भी खुले दिल से उनकी बधाई स्वीकार की और इसके लिए भाजपा हाई कमांड को तो उन्होंने धन्यवाद दिया ही, साथ ही लोगों के प्यार अपनेपन को भी उन्होंने उसका भी आभार व्यक्त किया और लोगों को विश्वास दिलाया कि यदि उनको एक बार फिर से मौका मिलता है तो वो उनकी हर प्रकार की इच्छाओं का जो है सम्मान करेंगे और इलाके में विकास कार्यों को गति प्रदान करेंगे। तो हम भी उनके निवास स्थान पर पहुंचे तो देखा वहां पर हजारों की संख्या में उनके समर्थक, मित्र, प्रेमी वहां पर उपस्थित थे, तो हमने भी उनसे बातचीत की। आइए देखते हैं कुछ झलकियाँ। बलवंत जी, चौधरी साहब, एक बार फिर से केंद्रीय नेतृत्व ने आप पर ही विश्वास जताया है, तो क्या रखेंगे अपने विचार? मैं आभारी हूँ केंद्रीय नेतृत्व का, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का जी, मान्य श्री न्यायाधीश सैनी का जी जी जी, और सेंटर के सारी लीडरशिप का जी, मैं बहुत आभारी हूँ कि जिन्होंने मेरे पर इतना बड़ा भरोसा जताया जी, और मैं इस भरोसे पे खड़ा उतरूंगा जी। और जब जो प्यार मेरे बल्ले कुछ नहीं था, जो प्यार जनता का था वो टिकट लेके आया, उस पर जो केंद्रीय नेतृत्व ने उस पर भरोसा जताया, तो मैं तो बहुत आभारी हूँ केंद्रीय नेतृत्व का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, पूर्व मुख्यमंत्री जी का, और खासकर ये जो भाई मेरे खड़े हैं जी जी, इनका मैं आभारी हूँ। चौधरी बलवंत सिंह जिंदाबाद, चौधरी बलवंत सिंह जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मैं मोदी साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको ये विश्वास भी दिलाता हूँ कि ये सारी जनता दोबारा फिर यहाँ से कमल खिलाएगी। आप सबका चौधरी साहब, लगातार लोगों से तो आपका संपर्क है ही है, तो कैसी हवा इस बार तीसरी बार, क्या कमल खिलेगा पूरे प्रदेश में? या ये शर्मा जी आपको बताया 102% खिलेगा। काफी मात्रा में जितने भी अपने समर्थक हैं चौधरी बलवंत सिंह जी के, पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता सभी यहां पर आए हुए हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग बाग उन्हें बधाइयां देने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं और शुभकामनाएं भी दे रहे हैं, खुशी भी प्रकट कर रहे हैं और एक पूरा विश्वास उन्हें दिलाया जा रहा है कि हर हालत में वो जितवा कर रहेंगे और पार्टी तीसरी बार जो है प्रदेश की सत्ता पर काबिज होगा और चौधरी बलवंत सिंह एक बार फिर से विधायक बनेंगे, ऐसा आश्वासन लोगों के द्वारा उनको लगातार दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं सढौरा इलाके के गांव-गांव से लोग बाग यहां पर आए हुए हैं। लगातार लोगों के पास जा जाकर वो उनसे मिल रहे हैं, अपने निवास स्थान यहाँ पर भोगपुर स्थित अपने निवास स्थान पर हर समुदाय के लोग उनसे लगातार आकर मिल रहे हैं।
क्या कुछ कहेंगे बलवंत सिंह जी एक बार फिर कांग्रेस अपना भाजपा क्या कुछ कहेंगे बलवंत सिंह जी को एक बार फिर से विश्वास जताया है उनके पार्टी नेतृत्व ने। जी बलवंत जी बहुत अच्छे आदमी हैं जी, हमारे मुस्लिम समाज को साथ लेके चले जी। आज लग पहले जितने भी बार यानी 2001 से हम इसके साथ आए जी जी जी, तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती बलवंत जी ने, और अच्छे आदमी है। तो इस बार जीत जाएंगे, जीत जाएंगे की बार तो बल्ले बल्ले जी, हमारा समाज भी पूरा वोट पावेगा, मुस्लिम समुदाय बीजेपी से जुड़ेगा उनके। हाँ जी, क्या कहेंगे जी आप? जुड़ा मुस्लिम समाज जो है पूरा जुड़ा है। ठीक है जी, बलवंत सिंह जी के कारण से है, जो हमारा विधायक है बहुत अच्छा है, कम से कम 24 साल से यहाँ से विधायक जी जो मुस्लिम में सारी कास्ट में सारी यात्रियों में बीच लेकर चल रहे हैं जी जी, अब की बार भी इसको पूरे जोर शोर से वोट देंगे, जीतेंगे फिर बलवंत सिंह जी। हाँ जी बिल्कुल जीतेंगे, जीतेंगे। ठीक है, बात ऐसा रहेगा फिर बलवंत सिंह जी को टिकट दे दिया गया है, बढ़िया अपना समाज समुदाय लगेंगे लाइक साथ में, बिल्कुल लगाएंगे जी, बढ़िया कैंडिडेट जीतेंगे। हाँ जी, पूरा समाज साथ है जी, पूरा जीत 100% जीत है जी। समाज की तो बात ये तो सारा नाराज है, कांग्रेस ही नाराज है सारे। अच्छा, सारे जैसे एमपी बीजेपी का हारा है, सारे नाराज है, दोहे कहने दिया था इंटरव्यू सर एचआर का तड़ा इन घर घर में बैठाया, कहा यहाँ तो कांग्रेस की चाड़े सर, कहा इसकी बार जब वोट पड़ेगी फिर पता चला है किसी कितनी निकलेगी। ना जैसे इसकी बार वरुण चौधरी एमपी जीते हैं कांग्रेस का, तो ऐसा एमपी का कोई फर्क नहीं पड़ता है, वोट पड़ेगी। अच्छा, यहाँ तो हल्के का भी बहुत अच्छा है। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। सिंह साहब सत श्री अकाल जी, क्या कुछ कहेंगे आज बलवंत सिंह जी को आप बधाई देने के लिए आए हैं, तो क्या कुछ? बहुत बहुत बधाई जी। अच्छा जी, जनता पार्टी ने दोबारा मौका दिया जी। अच्छा जी, हाँ जी हाँ। तो फिर हो जाएगी क्लियर सीट है जी, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं है जी। सिंह साहब कौन सा गाँव है अपना? जुड़ाशी खान जी। अच्छा, फिर क्या कहना, अपने इलाके में कैसा हवा चल रही है इस बार? तीसरी बार बीजेपी बन जाएगी? पक्का बनवा जी। अच्छा, कोई विरोध किसी प्रकार से? कोई विरोध नहीं, बन जाएगा साहब किताब। चलिए ठीक। हाँ जी सिंह साहब, बढ़िया जी, बढ़िया रहेंगे, बनाएंगे जी। कौन बन जी? हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं राजेश सप्रा जिला अध्यक्ष। जिला अध्यक्ष जी, बलवंत सिंह जी पर एक बार फिर विश्वास व्यक्त किया गया, क्या कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, बलवंत सिंह जी हमारे नेता हैं जी, आपने पार्टी के लिए एक बड़ी अच्छी छवि के साथ काम भी किया है जी जी जी। 2014 से 2019 तक आप हमारे सम्माननीय विधायक भी रहे हैं जी, तो माननीय चौधरी बलवंत सिंह जी के पर पार्टी ने विश्वास किया है, पार्टी के नेतृत्व ने विश्वास किया है, जो कार्यकर्ताओं की इच्छा थी, जो सारे समाज की इच्छा थी, सडोरा वासियों की इच्छा थी, उसको देखते हुए प्रदेश संगठन ने केंद्रीय नेतृत्व ने चौधरी बलवंत सिंह जी को टिकट दी है। मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ केंद्रीय नेतृत्व का, और सभी कार्यकर्ताओं को बधाई भी देता हूँ, और ये विश्वास दिलाता हूँ कि ये कार्यकर्ता पुनः सडोरा में कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे। तो तीसरी बार नायब सैनी जी की सरकार, भाजपा की सरकार। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ सारी की सारी टीम की ओर से अपने आदरणीय चौधरी बलवंत सिंह जी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, पूरी टीम की ओर से। और एक बात और है, आप सबकी तरफ से आदरणीय जिला तक जी हमारे बीच पहुंचे, अभिनंदन है, स्वागत है। आइए जी, प्रसारी जी का भी यहाँ पर पहुँचने पर लाखा जी का भी स्वागत है। सबके चेहरों पर एक विश्वास भी है, उल्लास भी है, जोश भी है, और खुशी भी है, क्योंकि सभी कार्यकर्ताओं की एक ऐसी इच्छा थी कि सबका जाना पहचाना ऐसा व्यक्ति हमारे बीच में जब रहता है, हमारे सुख का साथी बीच में रहता है, अगर उसको पार्टी मौका देती है तो सबके लिए फायदा, संगठन के लिए भी, पार्टी के लिए भी, और वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए भी बहुत अच्छा विषय है। तो हम सबकी ओर से आज ये टीम जो यहाँ पर बैठी है, सबकी ओर से हाथ मिलाकर एक आश्वासन भी आदरणीय चौधरी साहब को देना है कि सब के सब 5 तारीख तक आपके साथ दिन रात मेहनत एक करके यहाँ की सीट एक कमल का फूल खिला के आपकी झोली में डालेंगे। पक्का ना? 100% माता की, भारत माता की।
मैं पुनः आप सभी के चेहरे पर जो मुस्कुराहट है उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आप लोग क्या चाहते हो। आपकी पहली इच्छा तो टिकट की थी होती है ना, क्योंकि पार्टी का टिकट मिलता है वो सबसे बड़ा अपने आप में एक वोट है। तो ऐसा पार्टी को ही कई बार लगता है कि हमें, जैसे मुझे भी कल तक था यार किसी और को मिल जाता तो ठीक था, मेरे मन में भी थी ये बात, ऐसी बात नहीं, औरों के बहुत से के मन में होगी, लेकिन पार्टी जो होती है ना जी, संगठन जो होता है हमसे बेहतर सोचता है, हमसे बेहतर करता है ना। उनको वो कैंडिडेट चाहिए जो उसके लिए, संगठन के लिए भी उपयोगी हो, पार्टी के लिए भी उपयोगी हो। अगर सरकार में हिस्सा बनता है तो अन्य जो भी हमारा है कि जो सबसे बेस्ट है वो देने की कोशिश पार्टी करती है, और जो सबसे बेस्ट है लोहरा में आदरणीय चौधरी बलवंत सिंह जी है, इसके लिए एक जोरदार तालियां। उन्हें मैं आप सभी का यहाँ पर अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और इस विश्वास और आशा के साथ कि ये जोश जब तक अपनी अंतिम वोट नहीं डल जाती, ये जोश और ये उत्साह और ये चेहरे पे विश्वास ऐसे ही बना रहना चाहिए, ठीक है ना। 5 तारीख तक, क्योंकि हमारी वोटिंग 5 को है ना, आगे बढ़ गई थी तो 5 तारीख को हमारी वोटिंग है, तब तक हम सबने सक्रिय रहना है। जो भारत माता की, देखो चुनाव जीतना हम सब ने मिलके, आवाज भी हमारी बुलंद होनी चाहिए, ये होना चाहिए। दूसरे विपक्षियों ने पता लगा भाई आज वो कुर्मा फार्म पर बैठके, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी, श्री नैब सिंह सैनी, श्री नैब सिंह सैनी, धन्यवाद। बहुत ही सम्मान के योग भारतीय जनता पार्टी के हमारे बहुत ही सम्मानित उम्मीदवार आदरणीय भाई बलवंत सिंह जी, आज शुभकामनाएं देता हूं और आप सबसे एक ही अपील प्रार्थना करता हूं कि जैसे आप सबको पता है 5 अक्टूबर को वोट डालनी है, हमने 5 अक्टूबर तक दिन रात एक करके सडौरा विधानसभा में कमल खिलाने का काम करना है। देकर के माननीय हमारे बलवंत सिंह जी को उम्मीदवार बनाया है, मैं उनका पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और हमारे बीच में जिला के हमारे बहुत आदरणीय और कर्मठ जिला अध्यक्ष भाई राजेश सपरा जी, और हमारे बीच में लोग अपना विधानसभा के प्रभारी ईश्वर पलक्का जी, और हमारे तीनों मंडलों के अध्यक्ष भाई पवन सैनी जी, सोरा भारतीय जनता पार्टी का है, यहाँ पे जो कार्यकर्ताएं हैं सिर्फ जो पार्टी के साथ बहुत ही लगातार जुड़े हुए हैं, तो मेरा आपसे एक ही अनुरोध है कि आने वाली 5 तारीख तक आप भारतीय जनता पार्टी के साथ कमल का फूल खिलाने का जो कार्य आपके कंधों पे भारतीय जनता पार्टी ने सौंपा है उसको आप बहुत ही सूझबूझ से इसको आगे बढ़ाना है। और अगर अभी ईश्वर पलक्का जी जो हमारे बीच में बता रहे थे, अगर कोई नाराज है भाई तो उसको भी मनाने का काम आप, बहुत ही सम्माननीय हमारे सढोड़ा विधानसभा से पूर्व में विधायक रहे और आज जिनको सढोड़ा की विधानसभा के नाते प्रत्याशी की जिम्मेवारी दी है पार्टी संगठन ने, ऐसे हमारे चौधरी साहब, थोड़ा की इच्छा थी
जो सढ़ोरा के कार्यकर्ता की इच्छा थी कि चौधरी बलवंत सिंह जी को भाजपा का प्रत्याशी बनाकर भेजा जाए, ये संदेश पार्टी नेतृत्व तक गया और पार्टी नेतृत्व ने आपकी बात का मान रखते हुए जो आपकी इच्छा थी, जो हर कार्यकर्ता के मन में था कि चौधरी बलवंत सिंह जी को टिकट मिले और हम तीसरी बार भाजपा की सरकार हरियाणा में बनाएंगे और सढ़ोरा में कमल का फूल खिलाएंगे, उस नाते आपकी इच्छा को पूर्ण करते हुए केंद्रीय नेतृत्व ने चौधरी बलवंत सिंह जी को सढ़ोरा हल्के की टिकट दी है। इसके लिए मैं आप सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और अपने केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं। आपके मन की इच्छा को केंद्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने, भाजपा संगठन ने पूरा किया है। अब जिम्मेवारी आपकी बन जाती है कि आप जिस बूथ के भी आप निवासी हैं, जिस बूथ के आप कार्यकर्ता हैं, जिस गांव में आप रहते हैं, उस गांव का कोई भी घर ऐसा ना बचे जहां आप दरवाजा खटखटा के भाजपा के लिए, कमल के फूल के लिए, चौधरी बलवंत सिंह जी के लिए वोट ना मांगे। कोई ऐसा घर नहीं बचना चाहिए। हर घर से जाकर आपने वोट मांगनी है, हर घर तक जाकर यह संदेश देना है कि पिछले 10 सालों में चाहे प्रदेश है चाहे देश है, अगर उसको आगे बढ़ाने का काम किया है, बिना पर्ची बिना खर्ची अगर नौकरी देने का काम किया है, सबको साथ लेकर अगर कोई सरकार चली है तो वो सरकार भाजपा की। अभी सरपंच साहब, नंबरदार साहबान और पार्टी के निष्ठावान मित्रों, मैं आपके चरणों में नमन करता हूं कि जो आज ये मौका मिला, आज पार्टी हाईकमान ने, हरियाणा प्रदेश की हाईकमान ने जो मुझ जैसे छोटे से वर्कर पर भरोसा जताया, उसके लिए मैं पार्टी हाईकमान का, माननीय देश के प्रधानमंत्री का, होम मिनिस्टर का, पार्टी के अध्यक्ष का, जेपी नड्डा जी का और मनोहर लाल जी का, श्री नैब जी सैनी का आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ। मित्रों और दोस्तों, मैं आभारी हूँ आप सबका जिन्होंने, जिनके विश्वास पर मुझे हर रोज टेलीफोन करते थे लोग, भी दिल्ली जा, यहाँ का फिर रहा। मैं क्या, मेरी दिल्ली यही है, मेरे मुझे भरोसा है अपने मित्रों पे, अपने दोस्तों पे, अपने साथियों पे कि इनकी बदौलत मुझे सम्मान मिलेगा और वो सम्मान ये आपका है, आपके बदौलत मिला है। मेरी आपसे एक ही निवेदन प्रार्थना है मित्रों और दोस्तों, जो पार्टी हाईकमान ने सम्मान दिया, मैं आपसे एक ही अपील करूंगा कि पार्टी हाईकमान को, प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये हमने साबित करके देना है कि सढ़ौरा की सीट सबसे अव्वल नंबर से जीते, ये आपकी बदौलत है। मित्रों दोस्तों, आने वाली 5 तक हम सभी, आज सभी वर्गों से, सभी मेरे मित्र, सभी गांवों से यहां लोग आए हैं, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं, चरणों में प्रणाम भी करता हूं। मेरी आपसे यही निवेदन विनती है कि 5 तारीख तक हम, मैं ये नहीं कहता सारा दिन काम छोड़ दो, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा पार्टी के लिए लाकर हर घर में वोट मांगने का काम करें और अपने बूथ से, हर बूथ से जो पीछे हुआ 100-100 वोट ज्यादा दिवाने का काम करें मित्रों और दोस्तों, तभी चुनाव जीत सकते हैं। आप इतनी बड़ी संख्या में, ना कोई मैसेज लगा, सिर्फ सोशल मीडिया पे मैसेज पाया था, आपको कितना चौ है, रात में इतने लोग थे और आज फिर सवेरे भी इतने लोग आप सारे आए, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं। मैं आपसे एक ही निवेदन करता हूं कि काम अगर गणाएं तो बहुत घंटों लग जाएंगे। आज चाहे बॉर्डर पे हमारे स्कूल अपग्रेड करने की बात है, चाहे 3 कॉलेज बिलासपुर, सबसे नगर और सढ़ौरा में पॉलिटेक्निकल कॉलेज खोलने की बात है, चाहे कुड़ी और पुल लाने की बात है, चाहे बिजली घर लाने की बात है। आज सढ़ौरा हल्के में हवा सहारनपुर चलती थी या बाड़ा चलती थी, पेड़ से टकरा कर बिजली यहाँ बंद हो जाती थी, पर आज कहीं भी बिजली किसी तरीके से बंद नहीं, 24 घंटे आज हल्का सढ़ौरा में बिजली आ रही है। मित्रों और दोस्तों, जो काम भी कहे, चाहे वो गली का, नाली का, पुलिया का, पुल का, बिजली घर का, अस्पताल का, चाहे रेस्ट हाउस का, चाहे बस स्टैंड का, चाहे सेक्रेट का, वो सारे के सारे काम माननीय मुख्यमंत्री, चाहे पूर्व में मनोहर लाल जी रहे
चाहे श्री नायब जी सैनी रहे, उन्होंने एक मिनट में करके दिए। तो मैं तो पार्टी हाईकमांड का, प्रदेश हाईकमांड का भी आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ कि उन्होंने मेरे जैसे छोटे से वर्कर पर इतना बड़ा विश्वास जताकर यहाँ मुझे कैंडिडेट बनाया। मित्रों, ये दोस्तों, आपका कर्म बनता है कि उन पर विश्वास जो उन्होंने किया, उस विश्वास पर खरे उतरते हुए एक एक वोट के लिए 5 तारीख तक हम लग जाएं और हाई कमांड को ये बता जता के कमल का फूल यहाँ खिला के हाई कमांड को भी तसल्ली दें। मित्रों और दोस्तों, ज़्यादा लंबा चौड़े भाषण की जरूरत नहीं, मेरे से बहुत स्याणे आप बैठे हो, आपने बहुत इलेक्शन लड़ाए, बहुत रगड़े भी लुआए और बहुत रगड़े लाए भी हैं। तो मेरी आपसे एक निवेदन है, पीप का रगड़े से बचा दो, ये आखिरी चुनाव है मेरा, आखिरी चुनाव आखिरी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।